गाइज वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। आज का व्लॉग है, आज हम जा रहे हैं अपने पिंड रोपड़ और वहाँ पे हमने थोड़ा काम करना है वहाँ पे सारा, क्योंकि हमारा पार्ट खंड पार्ट होता है हर साल। सो हम वहाँ पे सफाई सफूई करने जा रहे हैं। हेलो गाइस, चाचा जी हैं हमारे ये। सब्सक्राइब करो यार सारे जने, क्यों नहीं कर रहे हो सब्सक्राइब? कहते हैं जी फॉलोअर्स नहीं बदले यार हमारे, तो सब्सक्राइबर्स नहीं बदले। फॉलो सब्सक्राइब लाइक कमेंट और हमारा इंस्टाग्राम पे भी पेज है चाचा भतीजा व्लॉग्स के नाम से। हाँ उसे भी सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो। फास्टन ड्राइवर सीट बेल्ट। सो गाइस अब हम अपनी दादी को लेने जा रहे हैं, फिर उनको लेके फिर हम निकल। और ये देखिए थोड़ी मेरी फोटो मत दिखा दो, कट दे मेरा तो कट दे। सो गाइस हमारे बंदे कह रहे हैं कि हम आज ठीक नहीं लग रहे, सो आज हम दिख नहीं सकते हैं कैमरे के अंदर, समझ रहे हैं ना आप। बाकी मैं आपको थोड़ा दिखाता रहूँगा बीच बीच में, इनको थोड़ा बहुत तो दिखा ही सकते हैं। अपनी बुआ को लेने, आपको हम बुआ दिखाते हैं वो कैसे लिखते हैं। देखिए ये देखिए, ये इशारा करती है इन्होंने, ये हरे सूट वाली आ रही है। ये देखिए इन्होंने पूरा बोरियस बोरियल बिस्तर लेके आई है। ये देखिए आ गई है बिठा दिया है और अब हम जा रहे हैं अपने पिंड की तरफ खासपुरा। दिखाएंगे आपको अपना पिंड। अब तो आज सफाई हो गई है, हमने जैसे पिछले व्लॉग में देखा होगी, पिछले व्लॉग में हम गए थे तो थोड़ी सफाई कम हुई थी, अब होगी होगी ज्यादा होगी। ये अपना ही है, अगर आपको कोई भी गाड़ी लेनी है कॉन्टेक्ट कर लेना इनसे, पर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ठीक है। और ये देखिए यूपी के सीएम रहे हैं, उनका घर है ये। ये हमारी घर वाली गली है और ये जो व्हाइट सा घर दिख रहा है आपको, ये वाला ये अपना घर है। ये हमने ये अपनी लगा दी है बैकयार्ड में गाड़ी। तो फाइनली हम पहुंच गए पिंड और आपको मैं दिखाता हूँ यार, यहाँ पे गाय रखी हुई है हमने, गाय नहीं। ये देखिए ओहो, ये तो मेरे पे अटैक करने वाली लग रहा है मेरे को। ये देखिए मज़े चाबी, मेरे को अब थोड़ी चाबी लेके आनी पड़ेगी। हेलो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपने पिंड। ये देखिए इसकी क्या हालत हो गई है, ये देखिए बहुत बुरी हालत हो चुकी है इसकी। ये देखिए मनु ये हेल्प ही रहा है, एक डक्का तोड़ा नहीं है बैठ जो हेल्प ही नहीं बैठ गए हैं, ये कोई काम नहीं है इनको। आजकल के नौजवानों का बुरा हाल है, ये देखिए क्या हाल हो चुका है, ये लगे हुए काम पे। ये देखिए
ये बेड़े में काखी काख हो गया है काखी काख हो गया ये ये केले का पेड़ है, ये देखिए ये इधर ही केले लगे हैं सारे भैन जो लोग खा गए हैं केले। गाय साहब लोगे केले लोगे? गाय साहब केला लेना चाहोगे? सो गाइस बहुत सारा काम करने के बाद हमें थोड़ी भूख लग गई है, तो आपको पता ही हम सुबह से आए हैं, अब काम कर रहे हैं तो हम खाने आगे बोल। ये देखिए चाँप वाले, इनके हम इनकी चाँप खाओ, एक नंबर चाँप, और अमृतसरी कुलचे बहुत तगड़े। ये देखिए भीड़ इतनी हो रखी है, कस्टमर बोल, ये देखिए कस्टमर आ रखे हैं इनके यहाँ। इनका टेस्ट इधर रोपड़ में बहुत फेमस है ये, और एक नंबर टेस्ट है। हाँ जी दोस्तों, हम फेंटा पी रहे हैं, ये है लीची फ्लेवर, और ये मनु ले गया कौन सा कूलबर्ग, कूलबर्ग पिएगा। ये देखिए फेंटा, आपने पिया सी फेंटा कभी? बताइए कमेंट करके, जरूर बताओ। थैंक यू। सो गाइस जैसे हम आए थे, क्या नाम है दुकान का? बोरा बोरा, ये चावल वाले। ये देखिए क्या बढ़िया डेकोरेशन है इनकी, टेस्ट करके बताइए सर। अभी मैं टेस्ट करके बताता हूँ, मैं खाऊंगा और आप देखेंगे, बस मैं खाऊंगा और आप देखते रहिए। सीरियसली बहुत अच्छे हैं गाइस, सीरियसली कोई मजाक की बात नहीं है, मज़ा आ गया है, बहुत बढ़िया। दोस्तों ये आ गया चाप, अमृतसरी स्पेशल चाप। इतनी स्वाद है चाप, ये इतनी नरम सॉफ्ट और असली सोया चाप। ये देखिए आपको जो एक्सपर्ट हैं वो टेस्ट करके बताएंगे कैसी है, खुद तो बंदों से कुछ नहीं पाएगा, एक्सपर्ट बताएंगे। बेहतरीन, लाजवाब, बहुत अच्छी चाप है, जरूर ट्राई कीजिए बोरा चाप वाले रोपड़। गाइस हम चाप चूप खा के निकल चुके हैं, सिगार रोल जो मतलब हद से ज़्यादा स्वाद थे, और हम दोबारा जा रहे हैं, पिंड जा रहे हैं। अब हम मार्केट में आ गए थे, रोपड़ ही मार्केट में, तो दादी हमारा वेट कर रही होगी, फिर हमने वापस भी निकलना है घर की तरफ, कल पेपर है और परसों मेरा पेपर है, आपको पता ही है, तो और पढ़ना तो पढ़ना भी ज़रूरी है यार, फिर ऐसे ही कम नंबर आएंगे तो आपको मेरा ना मूड ख़राब हो जाता है, फिर अगर कम नंबर आ गए तो मेरी परसेंटेज डाउन हो जाएगी, फिर ये जो दिख रहे हैं आपको ये मेरे बहुत बेइज्जती करेंगे, फिर इनकी मैं सरेआम बेइज्जती कर दूंगा, फिर अगर मार्क्स कम आ गए फिर ये कहेंगे कि आप बहुत कुछ नहीं पढ़ सकते, ये वो कुछ नहीं कर सकते, फिर हमें बहुत लानते पाएंगे। सो मैं ये सच में कुछ नहीं कराएंगे लग रहा है ये। दोस्तों आपको क्या लग रहा है, कमेंट करके बताइए कि ये सच में कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे, दौड़ा कर पाएंगे। मौसम बढ़िया हो रहा लगता है, बारिश पड़ेगी आज, कालू को हम इसलिए नहीं ले गए कल क्योंकि कालू का पेपर है और वो पढ़ता है नहीं, आपको पता है, तो हम उसको लेके नहीं आए। फिर तो बहुत मज़ा आ रहा है घूमने में, यहाँ पे मौसम बड़ा अच्छा है और खा पी के मज़ा आ गया, अब नींद आ रही है, अब थोड़ी सी चाय की गुंजाइश लग रही है हमें, गुंजाइश क्या करें, चाय पी जाए, बढ़िया चाय, बढ़िया हवेली, छोला टाप रहा है इनका, छोला दोस्तों, छोला टाप रहा है इनका, छोला टाप रहा है चाय का। वाह क्या मज़ा आ रहा है यहाँ घूमने। मौसम कितना बढ़िया हो रहा है देखिए दोस्तों, आपको अभी बादल बादल छा रहे हैं, आपको दिखाएंगे नहर, दिखाएंगे सतलुज नहर, सतलुज पंजाब में पांच नदियां बहती है, पांच उसमें से एक आपको अभी दिखाएंगे, रुक जाओ। और तीन पाकिस्तान में आपको पता ही होगा, जिनको नहीं भी पता फिर भी मैं बता रहा हूँ। ये देखिए हमारी गाड़ी देख दी, ये देखिए, वैसे आपने एक व्लॉग में हमारी सिर्फ गाड़ी देखी होगी, जब शुरू शुरू में पहला व्लॉग डाला हमने तो आपको ट्रेंड नहीं थे, तो अब थोड़ी ट्रेनिंग हो गई है,
ये देखिए हमारा ये छाली मार ये आ गया है दरिया। देखिए ये दरिया है दरिया। ये देखिए अभी दिखा भी दीजिए ना। ये देखिए दरिया हो आप तो। अरे दिखा रहे हैं यार छाली मार रहे दरिया में। ये देखिए दरिया पूरा गंदा हो चुका है। इतना पोल्यूशन और गंदगी फैल चुकी है यहाँ पे। ये सतलुज दरिया है दोस्तों। सतलुज दरिया है एकदम काला हो गया। पहले ये हरा हरा नीला नीला होता था। इतना पोल्यूशन की पोल्यूटेड हो गए। कल इंस्टाग्राम पे एक रील आ रही थी पानी के अंदर लींडी तैर रही है। दोस्तों यहाँ पे पंजाब में जब हड़ आया था जुलाई में, तो उसमें से ना एक पाकिस्तान से लींडा बह के आ गया। इतना बड़ा लींडा लगता है जैसे एनाकोंडा आ गया हो। तो लोग सोच रहे थे किसका लींडा है। बाद में रिसर्च करके पता लगा कि वो पाकिस्तानी किसे पाकिस्तानी बंदे का लींडा लींडा है। वो उधर से बह के आ रहा था क्योंकि वो लींडे का साइज आप पूरे नहीं सकते। 6-7 फुट का लींडा था वो पाकिस्तान का ही कर सकते। बताइए बुरा ना मानना, ये हंसाने के लिए कंटेंट है, बस फिक्शनल है, समझ लीजिए आप। अरे हमको कुछ ऑटो लेना ना घर के लिए। ये सब कुछ ले लिया हमने। तो जब से हमने वो लींडा देखा तो उसके लिए उसी बचाव के लिए आज यहाँ पे ना हमारे ना यहाँ पे घर पे देसी सीट लगी हुई है टट्टी करने वाली। टट्टी करने वाली देसी सीट इंडियन वाली लगी है। लगी हुई है इंडिया। तो हम यहाँ पे ना वो क्या कहते हैं उसको इंग्लिश सीट लेने आए थे। इंग्लिश सीट वो मेरे पीछे गाड़ी में रखी हुई है अभी जाके, क्योंकि जब यहाँ पे कोई प्रोग्राम होता है ना तो टाटी करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो अब किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने सारी प्रॉब्लम का हल कर दिया है। अब टाटी जैसे मर्जी करिए आप। ये देखिए थोड़ा सनरूफ खोल देते हैं आपके लिए। ये देखिए सनरूफ खुल गया है। आपको बाहर फोन मत उड़ा देना आप। कहीं फोन छोड़ देंगे तो फोन उड़ जाएगा। थोड़ा सा बाहर निकल के ब्लॉग बनाइए और लोगों को दिखाइए। थोड़ा सा रोपड़ का व्यू बनाइए। नहीं हमारी पग उड़ जाएगी। अच्छा पग उड़ जाएगी तो रहने दो। सॉरी दोस्तों नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हवा का बहाव बहुत तेज है। एक तो यार फोन आ जाता है नानी को फोन बाद में करते हैं। ये नानी बहुत फोन करती है। अरे नानी को टेंशन हो जाती है ना हमारी। रिजेक्ट कीजिए नानी का फोन। तो घर पहुंच के आपको दिखाएंगे जो हमने सामान लिया है, जो क्या कहते हैं उसको पॉट लिया है, फिर उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। अब पॉट की अनबॉक्सिंग करेंगे। पॉट की अनबॉक्सिंग ऐसे खोल के टाटी वाले। ये देखिए तो ये काने का ढाबा है। ये देख लीजिए ये काने का ढाबा है। काने का ढाबा। काने का ढाबा। गाइस आपको पता है कि हम पंजाबी में बात करते हैं, हिंदी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रही है बोलने के लिए। आपको पता ही है हम दोनों मिक्स करिए। काने का ढाबा, काने का मतलब आप समझोगे कि तो छोड़ो दोस्तों, फिर आप थोड़ा ऑफेंड हो जाओगे अगर हमने बता दिया उसको। हाँ। तो छोड़ ही दो आप। अगर उस बंदे ने हमारा देख लिया तो ऑफेंड ना हो जाए। ऐसे डर तो हम खैर किसी से है नहीं। ठीक है ये देखिए नर्सरी है ये यहाँ की। ये देखिए यहाँ पौधे पूधे सब मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है और सर जो ये तो आपको देखिए दोस्तों ये है झोना मतलब चावल है। ये चावल ये पक रहे हैं अभी। और ये जो जमीन दिख रही है आपको पीछे तक ये सारी अपनी है। ये देखिए ये भी दोस्तों इस पिंड ने बहुत तरक्की कर ली है। पिंड गाय ये हिंदी बोलने के चक्कर में बहुत गलत बोली जा रहे हैं। पिंड करी जा रहे हैं पिंड को। अब पिंड ने बहुत तरक्की कर ली है। इस पिंड से बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल बंदे रहे हैं। जो यूपी के सीएम मायावती हैं उनके जो हस्बैंड है वो हमारे पिंड के हैं। यस स्वर्गीय श्री कांशी राम जी। हाँ जी उनका घर यही है। साइड में ये देखिए ये उनका घर है पीछे। हाँ। मतलब जितने रॉयल बंदे बड़े पॉलिटिशियन है वो यही से निकले हैं। जैसे हमारे पापा जी होते थे वो MLA थे जी रोपड़ के। उन्होंने जो चौटाला नहीं होते थे उनके साथ एक पार्टी बनाई थी। कौन सी? पंजाब दल। लोक पंजाब दल वो सीएम कैंडिडेट थे जी पंजाब के। लेकिन बने नहीं है। लेकिन बन नहीं पाए थोड़े सरकमस्टेंसेस की वजह से, समझ ही रहे होगा आप।
नहीं तो आज पूरा अपना प्रोटोकॉल होता, सिस्टम होता पूरा, समझ रहे हो ना पंजाब का। तो गाइस आपको दिखाते हैं हम जो लेके आए हैं, ये देखिए इसको कैसा मूंदा मारा हुआ है, देखिए पीछे दिख रहा है आपको दोस्तों। हम ये लेके आए हैं, देखिए ये देखिए वर्ल्ड कप है, ये वर्ल्ड कप है दोस्तों, वर्ल्ड कप आ गया है ये देखिए। और ये भी उठा लें, इसका जो एक्सेसरीज है वर्ल्ड कप जमाने के लिए जो एक्सेसरीज लगेंगी। तो दोबारा घर पे आ गया हम, और ये बहुत मेहनती अंकल है, ये देखिए अभी ये थड़ा तोड़ रहे हैं थोड़ा, यहाँ पे ना पानी खड़ जाता है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये छेद दिख रहा है, इस छेद को देख के क्या याद आ रही है। तो ये पता क्या है, ये थड़ा बना हुआ है, यहाँ से ना पानी ऐसे बाहर जा सकता है, नहीं तो बारिश की वजह से यहाँ पानी खड़ जाता है, समझ रहे हो ना आप। ये देखिए पुराना घर है हमारा, देखिए ये देखिए, ये थे हमारे दादाजी जो सीएम के कैंडिडेट बन सकते हैं, ये देखिए प्रकाश सिंह बादल जी हैं, ये सीएम बनने वाले थे लेकिन सरकमस्टांसेस की वजह से पूरा प्रोटोकॉल जाता हमारे साथ, पुलिस सिस्टम। ये देखिए गाइस गिलहरी, तो गाइस हम फिर चले गए हैं दोबारा। अब हम यार जब गए हम चाय लेना भूल ही गए, तो जो हमारी दादी हैं यार वो चाय पीते हैं, उनके लिए वही एनर्जी ड्रिंक है, समझ लो ना अब सब चीज़ सब बीमारियों का वही इलाज है, सिर दुखे चाय, जो मतलब बीमार हो चाय, तो चाय एक एनर्जी ड्रिंक है उनके लिए। तो हम अब चाय लेने जा रहे हैं, क्या यहाँ पे ये देखिए ये फाटक, आपके गाँव में फाटक है तो आप बताइए, कमेंट करके फाटक है तो बताइए फाटक है तो बताइए, अगर आपकी फट गई है तो बताइए क्यों नहीं आई ट्रेन। अरे ट्रेन वो आएगी, वो गदर टू वाली ट्रेन आएगी, तो दोस्तों यहाँ से गदर टू वाली ट्रेन जाती है, गदर टू में जो ट्रेन है ना वो मालगाड़ी, हाँ वो आएगी अभी देखना, यहाँ पे आपको दिखाते हैं, दो मिनट वेट कीजिए आप, उसके ऊपर सनी देओल जी भी बैठे होंगे, उसके ऊपर सनी देओल जी भी बैठते हैं, स्टे ट्यून्ड, आपको दिखाएंगे उनकी पूरी मूवी शूट हो रही होगी गदर 3 कर दें। तो गाइस ट्रेन आ गई है, वो सनी देओल जी थोड़ा पीछे रह गए हैं, वो गदर 2 वाली ट्रेन है ये। अरे फिर फोन आ गया यार, फोन ही आता रहता यार, हम चाय लेने पहुंच गए हैं अब ये केसरपाल होटल पे, देखिए ये हमारे रिश्तेदारों का होटल है, यहाँ पे हम चाय लेने आए हैं, और यहाँ पे ये गार्डन बहुत अच्छा है, ये देखिए सारा गार्डन बना रखा, जंगल बना रखा पूरा, यहाँ पे रूम भी अवेलेबल है, रूम। और ये दोस्तों ये मनाली हाईवे देखिए, ये मनाली को रोड जा रहा है, जो मनाली जाते हैं ना मनाली के चौथे वो यहीं से निकल के जाते हैं। वाओ क्या गार्डन है, इट्स लुक अमेजिंग। हम चाय लेके आ गए हैं घर पे, हम चाय पी रहे हैं, ये अपनी एनर्जी ड्रिंक आपको पता ही, ये देखिए चाय, ये देखिए चाय पी रहे हैं, ये भी चाय पी रहे हैं, ये भी फुल चाय
ये नमकीन नमकीन चल रही है, वो दिखाइए जरा वो। ये बचपन की याद है, ये चूरन चूरन स्टिक्स देख सकते हैं आप, ये देखिए। और वो बॉल्स भी दिखाइए, बॉल्स भी ये देखिए। दो मिनट खड़ जाओ तो ना पड़ाई। ये देखिए इमली बॉल्स, जामुन बॉल्स एंड ये देखिए। ये हमारी बचपन की याद गई हो, मैं तो 16 साल गई हूँ अभी। ये देखिए यहाँ पे धो रहे हैं ना, अब ये देखिए पानी जा रहा है छेद के अंदर, दिख रहा है ना आपको। आपका छेद भी इतना ही बड़ा होगा। फुल चाय वाय चल रही है, ये देखिए ये भी आ गए हैं चाय पीने। चाय बहुत टेस्टी है दोस्तों, आप में से कौन कौन चाय पीता है कमेंट करके बताइए। चाय वाले चाय कमेंट करें और कॉफ़ी वाले कॉफ़ी। वैसे भाई चाय बेस्ट है, इंडियन चाय। छाली मार रहा है मैं, कीड़ा छाली मार रहा है। गाइस देखो इतना बढ़िया मौसम और चाय हाथ में हो तो क्या मतलब। चाय भी के थोड़ा बंद करी, ये पूरे सारी सुख सुख। ये देखिए लाल जुबान चूरन, मैं इसको आपको खा के दिखाता हूँ। बहुत टेस्टी है ये तो। शारदा जी आप क्या खा रहे हैं? ये देखिए इमली बॉल। ये गोलियां हमने कम से कम 20 साल खाई हैं, 20 साल। बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। जो जो चूरन वाली गोलियां खाता रहा है वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे, कमेंट करे। पूरी फीलिंग लेके खा रहा है ये। ये देखिए लाल होगी ना, अब इसकी गांड भी लाल होगी। ये बोलना आपको जरूरी है? सो गाइस इनका ना थोड़ा एक्सेंट, ये ना इनका ये गाली नहीं थी, ये इनका हेल्पिंग वर्ब बन चुका है, आप समझ रहे हैं ना, हेल्पिंग वर्ब। हर बात के पीछे यूज़ करना, उसके बिना बात का मज़ा नहीं आता। अब मज़ा आता है, ऐसे मज़ा आता है, ऐसे बोल के मज़ा आता है, ठीक है ना दोस्तों। बोरिंग जिंदगी नहीं चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए इंटरेस्ट लाइफ में। तो इससे इंटरेस्ट बना रहता है। खुद से ब्लॉग तो बहुत देख ले होंगे आपने, अच्छे ब्लॉग देख सकते हो। वो जो आप अभी अभी आपने डायलॉग सुना ना, वो बंदा अभी है नहीं, वरना आपको डायलॉग सुनाते हम। लेकिन वीडियो के लास्ट में आपको पता लग जाएगा वो डायलॉग जब आएगा ना असली। ये मनु ऊपर ढक्कन रखने के लिए चढ़ा हुआ चढ़ रहा है, टैंकी पे ढक्कन रखने के लिए। बहुत खतरनाक खिलाड़ी बन रहा है ये ढक्कन रखेगा ये टैंकी का ऊपर। ये देखिए ये लीजिए रख दीजिए। और ये लगता है मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा ये। डर लग रहा है मुझे, और डर लग रहा है कि गिर के इनके लात ना टूट जाए। ये ऊपर चढ़ चुके हैं ये। यस ये मिशन सक्सेसफुल होने जा रहा है ये। ओह मेरे नाइक जॉर्डन, आपको नए दिलाने पड़ेंगे मेरे को। गाइस आप लाइक करो, मैं असली लेने जाऊंगा। ये देख कितना गंदा कपड़ा है ये, गाइस जम रहा है। लगता है ये रख के वापस आ चुके हैं ये। कारगिल से भी बड़ी लड़ाई हो चल रही है। ये सक्सेसफुल हो गए। छाली मार दे, मेरे को डर लग रहा है अब मैं नीचे नहीं आ पा रहा हूँ। ये नीचे आते हुए डर रहे हैं ये तार देखिए। हौली हौली रख दे। गाइस फाइनली मैं थोड़ा आ गया हिम्मत करके, और अब देखिए मैं छाली मारूंगा। ये देखिए ये छाल मारेगा ये। यस मिशन सक्सेसफुल हो गया ये। गाइस सारी सफाई हो गई है, मैंने टंकी पे भी ढक्कन रखा, थक गया यार, पसीना पसीनी हो गया, कपड़ों की सारी मतलब गंद पड़ गया यार, गंदे हो गए।
लेकिन कोई बात नहीं यार, भगवान की सेवा बाबे की सेवा तो कर सकते हैं अपन, कोई चक्कर नहीं, कुछ भी कर सकता हूँ। टाले तुले लगा के घर को निकल चुके हैं और हम वेट कर रहे हैं अपनी वो पप्पी बुआ जो हमको उठाया नहीं सामने, उनको रास्ते में उनकी वेट कर रहे हैं अभी वो आई नहीं है और उन बस उनको उठा के अब घर की तरफ उन पहले उनको छोड़ेंगे, फिर उसके बाद ये जो हम चाय लेने नहीं गए थे, चाय समझो ना केतली में, फिर इसको वापस करके फिर इनको छोड़ के फिर हम जाएंगे घर, ठीक है। बाकी फिर आपको बताते हैं कोई बिल्ले कोई बात हुई। गाइस हमने बुआ जी को छोड़ दिया है घर और अब हम जा रहे हैं घर, खुद हम जा रहे हैं घर क्योंकि इनको जाना है अपना डाबे पे, इनकी ड्यूटी है, काम भी जरूरी है आपको पता है, ठीक है। तो ये देखिए चुगन लाल जुबान, ये देखिए मेरी जुबान लाल हो गई, ये देखिए के अंदर पिंड पिंड के अंदर बहुत टेस्टी है। सो गाइस हम घर की तरफ जा रहे थे और खैर रोड इतना ट्रैफिक आ गया, ये देखिए इतना ट्रैफिक, लगता है अभी लग जाएंगे एक घंटा और लग जाएगा पहुंचने के लिए। ये देखिए दादी जी बैठी है पीछे, ये देखिए छाली मार रहा है, हाँ कहते हैं तो गाइस हम पहुंच गए मोहाली, पहुंचे मोहाली और हम घर की तरफ जा रहे हैं। अब थोड़ी कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, चिकन फ्राई खांदे चिकन फ्राई जब दे छोले, देसी मुंडियां दा पिंड दे मुंडियां दा चंडीगढ़ हुटर खोले, चंडीगढ़ हुटर खोले, चंडीगढ़ हुटर खोले। हेलो दोस्तों हम पहुंच गए हैं घर, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताइए, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, डू फॉलो और आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फॉलो कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए। और ये मनु दांत निकाल रहा है लगता है इसकी गान में आ चुकी है, और ये कालू ये ए कालू ये छाली मार रहा है, ये देखिए छाली ये देखिए और ये बहुत छाले मार रहा है, ये देखिए उसको मिल लीजिए तो गाइस ये व्लॉग बना के आ गए हैं, व्लॉग बहुत देख लिए, एक और फुद्दू व्लॉग देख लो। यो 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 चरस रंगिया मेरे को प्यारा, चरस रंगिया मेरे को प्यारा, फुकू मैं सुबह शाम रात को दिन, मम्मी बोले मत कर, पापा बोले मत कर, आंटी बोले मत कर मत कर मत कर, पता है मैंने क्या बोला, चरस गंग।